हेलो दोस्तों, लव गुरु के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। इस समय सबकी सुरक्षा स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह का माहौल है, कोविड की वजह से लोगों में दूरियाँ आ गई हैं, जो ज़रूरी भी है। जान है तो जहान है। जाहिर है लोगों के मन में इस समय कई तरह के सवाल होंगे, किसी को अपने प्यार को लेकर तो किसी को अपने रिश्तों को लेकर। इस तरह सवाल आ रहे होंगे लोगों के जहन में। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है हर्ष का। कहते हैं, अभी जो पंचायती राज चुनाव हुए हैं, मेरे यहाँ महिला सीट थी, इसलिए मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव प्रत्याशी बना दिया, क्योंकि मैं भी राजनीति में आना चाहता था। पुरुष सीट नहीं थी, इसलिए मैंने उसे चुनाव लड़ाया, पूरा सपोर्ट हर तरह से किया। लेकिन अब न जाने क्यों मेरे मन में एक सवाल हर वक्त मुझे परेशान करता है, वो मुझे जीतने के बाद छोड़ ना दे। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं कैसे रहूँगा? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा अब मैं उसके जीतने की प्रार्थना करूँ या हारने की। चुनाव बाद अब मुझसे वो ठीक से बात भी नहीं कर रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या होने वाला है आगे? ओहो हर्ष जी, आपका डर बता रहा है आप अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करते हो। आपने ही कहा चुनाव हुए हैं, और आप तो अच्छे से जानते ही होंगे चुनाव से पहले कितनी तैयारियां, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है वही सब थकान की वजह से बातें थोड़ी कम हो गई हों। इस समय के माहौल के हिसाब से थोड़ी दूरियां ही अच्छी हैं सबके स्वास्थ्य के लिए और अपनों के लिए। और ज़रा ये सोचिए, अपने प्यार पर भरोसा रखिए, भला इतना प्यार करने वाले को कोई कैसे छोड़ सकता है? और ज़्यादा समय तक ऐसा चले तो फिर मुझे बताइएगा। तो इंतज़ार कीजिए अपने प्यार का और चुनाव परिणाम का। और इतनी मेहनत की है आपने अपने प्यार के लिए, अपने सपने के लिए, तो जीत की ही प्रार्थना करिए। अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। आज का दूसरा सवाल है आयशा का। कहती हैं, मैं दिल्ली में पढ़ाई करती हूँ, परिवार यूपी में है। इस समय हमारे पड़ोस में कोरोना पॉजिटिव काफ़ी केस निकले हैं, घर वाले मुझे अपने पास आने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, बहुत डर लग रहा है उन्हें भी कहीं कुछ ना हो जाए, मैं क्या करूं? आयशा जी, आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है, लेकिन घर वालों की भी बात सही है, कम से कम आप सुरक्षित तो हैं। लंबा सफ़र आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है और वो आपके परिवार पर भी असर डाल सकता है। और ये समय सिर्फ अपनों की चिंता, अपनों के लिए दुआ करने का नहीं है, पूरे देश की चिंता का विषय है। जो जहाँ है वहीं रहकर सबके लिए दुआ करें। आप भी घर वालों से बात करते रहिए, स्थिति को देखते हुए माहौल थोड़ा सही हो तो चली जाइएगा अपने घर, अपनों के पास। लेकिन इस टाइम थोड़ी दूरियां ही अच्छी हैं, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपका परिवार भी। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपके पास भी है कोई सवाल लव से जुड़ा, रिश्ते से जुड़ा, तो हमें लिख भेजें। हमारी मेल आईडी है khabarlehriya@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9821382999। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और सब लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, बस यही दुआ करती हूँ।